नमस्कार। अगर आपका पेट भी लटक रहा है तो लटके हुए पेट को कम करने के लिए आज हम लेकर आए हैं पांच ऐसे विशेष योगासन जो सामान्य तौर पर जिसका वजन 100 किलो से ऊपर भी है तो भी आसानी से उन आसनों को करना संभव है। उन आसनों का अभ्यास यदि नियमित रूप से सवेरे शाम 20-20 मिनट भी हो जाएगा तो निश्चित ही लटकता हुआ पेट लगभग एकाएक महीने में कम होना शुरू हो जाएगा। लटकते हुए पेट का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है, एक तो स्किन जो है लूज हो जाती है, दूसरे नंबर पर पेट जब जितना बाहर आकर के नीचे की ओर लटकता है तो कमर में भी दर्द आना चालू हो जाते हैं थोड़े थोड़े, साथ में पेट पर जब लटकन आती है तो इंटरनल ऑर्गन्स जो है, एब्डोमिनल ऑर्गन जिनको बोला जाता है, वो धीरे धीरे करके इनएक्टिव होना चालू होते हैं। इनएक्टिव होते हैं तो फिर उधर से संबंधित बहुत सारे रोग होना चालू हो जाते हैं। लटकते हुए पेट को हम घर पर ही कैसे कम करें, इसके लिए आज हम उपस्थित हैं पांच विशेष योगासनों की सीरीज लेकर के। सीरीज में योगासनों का डेमो करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर भारत। ये आपको बताएंगे कि आसनों को किस तरीके से किया जाए कि वो आसानी से हो भी जाएं, क्योंकि जिनका वजन ज्यादा हो जाता है, पेट जिनका बाहर ज्यादा आ जाता है, फिर उनको आसन करने में अच्छी खासी तकलीफ होती है। तो आसन कौन से चुने जाएं जो बहुत आसानी से हो जाएं, और उन आसनों को, चुने हुए आसन जो हैं उनको किस तरीके से आप करें कि आप आसन को कर भी लें, आसन का फायदा भी मिले आपको और आसन करने में आपको कोई तकलीफ भी ना हो। सबसे पहले डॉक्टर भारत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आसनों के डेमो के लिए सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हो जाएं। पहला आसन, आसन का नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर मिले हुए हैं। धीरे से दोनों पैरों के बीच में लगभग 6 इंच का फासला रख लेंगे, लगभग 6 इंच का फासला, थोड़ा सा और फासला रखेंगे। ये अब श्वास को भरेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर इस तरीके से रख लेंगे कि आपकी अंगुलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। अब पूरी श्वास को छोड़ देंगे। अब हम श्वास को भरते हुए फिर से पूरे गर्दन को पीछे ले जाते हुए, पूरे सीने को बिल्कुल पीछे बैंड करते हुए कमर से पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जितना पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुक करके रुकेंगे। रुकना जितना आसानी से आप रुक सकते हैं उतना रुका जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि आप लगभग 30 सेकंड ही रुक पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड ही रुकें। 30 सेकंड के बाद धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये पहला आसन, आसन का नाम था अर्ध चक्रासन। इसमें जब आपने इस आसन को प्रॉपर तरीके से पीछे झुकते हुए किया तो आपको जो सामने की तरफ आपकी बैली है उस पर एकदम से खिंचाव महसूस किया होगा। वो जो खिंचाव है वो आपके पेट की लटकन को कम करने का काम करेगा। हम दूसरे आसन के लिए सीधे लेट करके करने वाला आसन है, इसलिए सीधे लेट जाएंगे। आसन का नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम सबसे पहले सीधे लेट गए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, तलवों को जमीन पर रखा, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ रखी हुई हैं। अब हम श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे।
श्वास को छोड़ते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे, मैक्सिमम ऊपर की ओर उठाते हुए जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना उठा करके रुक जाएंगे। अब 10 तक रोकेंगे, 10 जब पूरा हो जाएगा तो धीरे से कमर को नीचे लेकर के आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठाया था कमर को, श्वास को भरते हुए कमर को धीरे से नीचे लेकर के आ जाएंगे। फिर हम श्वास को फिर से भरा हुआ है, अब छोड़ते हुए फिर से ऊपर की ओर उठाएंगे और 10 सेकंड रोकने के बाद फिर से धीरे से नीचे की ओर ले आएंगे। इस आसन का अभ्यास आप या तो एक बार में लगभग 30 सेकंड और 3 बार रिपीट करके करिए। अगर आप 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो आप इसका रिपीटेशन जो है वो 5 से 7 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सेतु बंधासन। अब हम तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के लिए करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे, उल्टे लेट कर करने वाला आसन। पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों हाथ सीने के बगल में लगाएंगे, दोनों कोहनियां शरीर से लगी हुई रहेंगी, माथा जमीन पर। श्वास को भरते हुए सबसे पहले माथे को उठाया, फिर नाक को उठाया, फिर चिन को उठाया, फिर गर्दन को उठाया, फिर सीने के ऊपरी हिस्से को उठाया, फिर सीने के निचले हिस्से को उठाया, फिर पेट के ऊपरी हिस्से को उठाया, उसके बाद पेट के मध्य हिस्से को, नाभि तक के हिस्से को उठाया। अब धीरे से पूरी श्वास को भरते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा करते हुए मैक्सिमम पीछे बैंड होने की कोशिश, धीरे धीरे करके दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ खिसकाते आना है और मैक्सिमम पीछे की तरफ बैंड करने की कोशिश करनी है। जितनी देर आप आसानी से रुक सकते हैं उतना रुकें। धीरे से जब ऐसा लगे कि अब आसन नहीं हो पा रहा है तो फिर श्वास भरते हुए आसन में आए थे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके अपने माथे को दोबारा से जमीन के पास लेकर के आ जाएंगे। ये भुजंगासन तीसरा आसन। अब चौथे आसन का नाम है, आप कुंभकासन के नाम से इसको जानते हैं। इसको प्लैंक पोजिशन भी बोला जाता है। प्लैंक पोज जो है उसके लिए आप सबसे पहले पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों पैर सीधे हैं, दोनों पैरों के बीच में लगभग 6 इंच का फासला रखा हुआ है, दोनों हाथ सीने के बगल में हैं, हथेलियां जमीन पर हैं। धीरे से सबसे पहले आप भुजंगासन की अवस्था में आएंगे। पहले भुजंगासन की अवस्था में आ जाएंगे। भुजंगासन की अवस्था में आ गए, भुजंगासन की अवस्था से धीरे से आप अपनी कमर और घुटनों को भी ऊपर की ओर उठा लेंगे। पूरा वजन आपका पैर के पंजों और हाथों की हथेलियों पर रहेगा। आप कमर को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके रखेंगे, कमर थोड़ी और नीचे। इसको प्लैंक पोजीशन बोला जाएगा। इसमें आपकी जो स्लैंटिंग पोजीशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपके तलवों से लेकर के आपके गर्दन सिर तक का हिस्सा इस तरीके से रहेगा, ये आपके लिए प्लैंक पोज बोला जाता है। इसको कुंभकासन भी बोलते हैं। इसमें आप जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें, धीरे धीरे करके जब आपको ऐसे लगे कि अब आप नहीं रुक पा रहे हैं तो फिर आसन से धीरे से वापस आ जाएंगे। ये कुंभकासन प्लैंक पोजीशन, इसको आप लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा यदि आपको अपने लटकते हुए पेट को कम करना है तो। अब हम पांचवा आसन का नाम है उष्ट्रासन। उसके लिए सबसे पहले भुजंगासन में आएंगे, शशांकासन में आते हुए वज्रासन में आकर के बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। शशांकासन वज्रासन में आते हुए धीरे से बैठने की स्थिति में आ जाएंगे और हम वज्रासन की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, दोनों हाथ कमर पर। अब उष्ट्रासन का अभ्यास जो है इसके लिए श्वास को छोड़ दिया, श्वास को भरते हुए पूरे गर्दन को धीरे धीरे करके पीछे की तरफ बैंड करते हुए, सीने को पूरा पीछे की तरफ बैंड करते हुए कमर से धीरे धीरे करके पीछे झुकने की कोशिश। अब आप झुक करके होल्ड करेंगे। जितनी देर आप इस आसन में रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। आसन जब आपको ऐसा लगे कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं
तो धीरे से आसन की अवस्था से वापस आ जाएंगे। ये उष्ट्रासन का अभ्यास हो गया। उष्ट्रासन अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित ही ये आपके जो पेट पर चर्बी आ गई है, पेट आगे की तरफ लटक गया है, तौंद निकल करके आ गई है, लटकती हुई तौंद बनती जा रही है, ऐसे केस में ये पांचों योगासन आपकी सबसे अच्छी मदद कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए जिनका वजन सामान्य से ज्यादा है, जिनका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, जिनकी तौंद आगे की तरफ लटकती हुई है, जो पेट की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो इस वीडियो को देख करके अपनी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।